हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की स्टूडियो में आपको बताने वाले हैं वीवीयू सेमेस्टर फोर पॉलिटिकल साइंस कोर 10 का। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम है, तो इसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन कोई आलतू फालतू नहीं है, बल्कि प्रीवियस ईयर से लिया गया एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 16 लिखा गया है, बट आपको हम टोटल 30 के करीब हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला है जो प्रीवियस ईयर से रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम एक आपको एक करके बताते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोर 10 का सारा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं देखें तो जा कर के देख लो, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप सिंपली से क्वेश्चन को सर्च करो तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो आपको आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट में चल जाओ, वहाँ पे लिखा होगा वीवीयू कोर 10, तो वहाँ पे सारा आपको सब्जेक्ट का यानी सारा क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी नहीं किए तो आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है कि वहाँ पर जाओ, वीडियो देखो और तैयारी करना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखते हैं कि एक नंबर में क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। यानी जो राजनीतिक समाजशास्त्र शास्त्र है उसे उसका जनक है सो किसको कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु को, ठीक है। किसको? अरस्तु को, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, राजनीतिक समाजशास्त्र एक शाखा है, राजनीतिक समाजशास्त्र एक शाखा है, किसका शाखा है, तो ये समाजशास्त्र का ये क्या है, शाखा है। तीसरा, शक्ति समाज में सर्वविद्यमान होती है, यह किसका विचार है, मतलब कौन सा व्यक्ति ने ऐसा कहा कि जो समाज शक्ति है ना वह समाज में सर्वविद्यमान होती है, तो ये जो हमारा बोला है वो बोला है माइकल फोकाल्ड ने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल फोकाल्ड। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा में है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल है, तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में जनसंचार का तत्व शामिल है, परिवार का तत्व शामिल है और शिक्षण संस्थान का भी क्या है, तत्व शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत राजनीतिक समाजीकरण के विचारधारा से अभिन्न संबंध होने पर बल देता है, तो जो आपका 20 का हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। क्या होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 का क्या बोल रहा है कि राजनीतिक संस्कृति के कार्य के प्रति अभिमुखकरण किसने कहा, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा राजनीतिक संस्कृति के कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, तो ये जो हमारा कहा वो किसने, कौन कहा, आमंड ने कहा, कौन कहा, आमंड ने कहा, ठीक है। नंबर 21 हो गया, इसका आंसर क्या होगा, आमंड होगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी रचना है, तो ये जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बुक है वो किसकी रचना है, तो ये है लुसियन पाई एवं सिडनी वर्मा का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, समाजशास्त्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, तो जो समाजशास्त्र है उसका पहला बार जो प्रयोग किया गया था वो कब किया गया था, तो 1938 ईस्वी में इसकी पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन के लेखक कौन है, तो जो इसका लेखक है वो कौन है हमारा, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल होते हैं, तो इनमें से जो तत्व शामिल होता है परिवार, जनसंचार, शिक्षण संस्थाएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा सिद्धांत राजनीतिक समाजीकरण के विचारधारा से अभिन्न संबंध होने पर बल देता है, तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, राजनीतिक संस्कृति के कार्य के प्रति अभिमुखीकरण किसने कहा था, तो ये क्वेश्चन इसके पहले भी मैंने करवाया था, डबल बार आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, डबल बार पूछा गया था। इसका नाम क्या है, आमंड है, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा आमंड। क्वेश्चन नंबर 22, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी रचना, ये भी मैंने ऑलरेडी करवा रखा था, लुसियन पाई एवं सिडनी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था, तो 1938 में। ये देखो वही सब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर योगेंद्र सिंह। फिर 25वां में ये जो लिख रहा है वो भी सेम क्वेश्चन आ गया, इसके पहले मैंने आप सभी को करवा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान में समाजीकरण की अवधारणा का प्रथम व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करने का श्रेय किसने प्राप्त किया था, तो हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 27, नागरिक गणतंत्रवाद का विलोम है तो राजनीतिक निजीवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भर्ती का सबसे अच्छा तरीका क्या है,
तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती, ठीक है, लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती। कमेंट बॉक्स को आप लोग एक बार जरूर चेक करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स को मैं जो चेक करने के लिए बोल रहा हूँ इसको एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरिक गणतंत्रवाद का विलोम क्या है, तो राजनीतिक निजीवाद या तो फिर राजतंत्र, ठीक है, ये क्वेश्चन इसके पहले मैंने बताया था। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन के लेखक कौन है, तो रुडोलॉफ है, ठीक है, रुडोलॉफ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी रचना, तो लुसियन पाई एम सिडनी वर्मा का। देखो जो सर लगातार क्वेश्चन पूछा गया वो डबल बार भी आपको देखने को मिल सकता है। राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण किसने कहा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ईस्टर्न ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल तत्व, तो इसमें परिवार, शिक्षण संस्थाएं, जनसंचार, राष्ट्रीय प्रतीक। फिर हो गया नेक्स्ट, माइकल फोकॉल्ट के विचार में शक्ति समाज में होता है, तो सर्वविद्वान, ठीक है, सर्वविद्वान। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स की आधारशिला क्या है, तो कार्ल मार्क्स। कौन है इसका आधारशिला, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है इलिट शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ था, तो एलिजरी से हुआ था, किससे हुआ था, एलिजरी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, राजनीतिक विकास का अर्थ आधुनिकीकरण से कौन सा विद्वान लगाते हैं, तो ये हो जाएगा गुनर मिरडॉल, ठीक है, गुनर मिरडॉल, और एक यहाँ पर जाएगा लर्नर। तो आप लोग को आंसर देखना है कि क्या है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, राजनीतिक आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया किसने माना, तो डॉक्टर एस पी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 11 नंबर, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति को सामूहिक इतिहास की उपज किसने बनाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुसियन पाई। किसने बनाया था, लुसियन पाई ने, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण को राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करने की प्रक्रिया किसने माना है, तो आमेंड तथा पावेल ने। किसने माना है, आमेंड और पावेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य अभिकरण कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक दल। कौन हो जाएगा, राजनीतिक दल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की जिंदगी को 8 अवस्थाओं में किसने बांटा है, तो यहाँ पे जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिकसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीतिक सहभागिता में राजनीति प्रभावशाली बढ़ती है यह किसकी मान्यता है, तो रॉबर्ट डेल का। किसका मान्यता है, रॉबर्ट डेल का, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप सभी को बताना जरूरी था। इसके पहले एक हमारा संचार वाला क्वेश्चन छूट गया जो कि मैं आप सभी को करा दूंगा। अगर संचार वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बस एस लिखना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।